दोस्तों, क्या आपने कभी पीतल के बर्तनों को चांदी में बदलते हुए देखा है? हमारे सामने अभी नजर भाई बैठे हैं और आप यहाँ पर आप मेरे सामने जो ये पीतल के बर्तन देख रहे हैं, इनको भी ये मिनटों सेकंडों के अंदर चांदी की बर्तन की तरह बिल्कुल सफेद कर देंगे। तो नजर भाई, ये काम है क्या? पहले इसका प्रोसेस हमें समझाइएगा, ये क्या चीज है? ये पीतल के बर्तन है, इनों पे कलाई होती है। कलाई? कलाई किस वजह से की जाती है? कलाई इस वजह से की जाती है, जो खड़ाई वड़ाई जो डालते हैं अपन इसमें, वो खराब नहीं होगी। खराब नहीं होगी? तो अगर वैसे अपन काम में लेंगे तो पायजन बन जाएगा इसके अंदर। तो जैसे ये बिल्कुल नए प्योर पीतल के बर्तन है जी, अगर इनको डायरेक्टली काम में लेंगे तो ये मतलब जो है सही नहीं रहेगा काम के लिए, नुकसान देगा। नुकसान देगा जी। तो ये जो सबसे पहला प्रोसेस आप हमें स्टेप समझाइएगा कि ये जो नए पीतल के बर्तन होते हैं जी, इनको आप किस तरीके से परिवर्तित करते हो? ये पहले सफाई होती है इसकी। सफाई होती है? सफाई किस चीज से करते हो? तेजाब से। तेजाब से, ठीक है। और सफाई होने के बाद फिर उसके बाद ये रांगा लगता है। रांगा कौन सा होता है? ये होता है ये वाला, ये लगता है रांगा। ये रांगा होता है, ये इस पे यूं लगता है ये। अच्छा, ये इस पे लगाते हो? फिर ये लोसादल लगाते हैं, फिर ये कलाई होता है रुई से, और फिर ये कॉटन के कपड़े से, मतलब कॉटन से आप इसको कलाई कर देते हो? कलाई कर देते हो। अच्छा, ये इसमें मतलब भट्टी पे तपाया जाता है पहले जी? इसको कितनी देर तक तपाते हो यहाँ पे? ये बर्तन के हिसाब से होता है, कितना बर्तन भारी है उस हिसाब से ईंट दे जाती है। अच्छा, ये क्या चीज है? ये नौसादर है, सुहागा। क्या बोलते हैं इसको? नौसादर। सुहागा जी, नौसादर। अच्छा, इस साइड में भी मैं कुछ बर्तन जो रखे हुए हैं यहाँ पर, मैं इनको इन्हें भी देख रहा हूँ। जैसे ये वाला बर्तन जो है जिसमें ये एक ढोल रखा हुआ है, ये क्या चीज है? ये कास्टिक सोडा है, ये सफाई के लिए होता है, चिकनाहट के लिए। चिकनाहट के लिए? तो ये वाला बर्तन आपका ही है या किसी के बर्तन? ये ग्राहक का है। ग्राहक का है, तो इसी में घोल क्यों कर रखा है आपने? ये हमारे इसकी ये सफाई गंदगी जो है ना वो हट जाएगी। अच्छा, ये पुराना बर्तन है तो ये कास्टिक से इसकी गंदगी हट जाती है जी। तो दोस्तों, पहले आप ये प्रोसेस देखे किस तरीके से ये भट्टी चल रही है। यहाँ पर इन्होंने एक मतलब एक इस कढ़ाई के नीचे फैन लगा हुआ है ना, पंखा टाइप। पंखा टाइप पंखा है नीचे, देखिए। और उस पंखे की वजह से ये कोयले उबलते हैं, जलते हैं और इस पे आग लगती है और इस पीतल के बर्तन को तपाया जाता है। तपने के बाद फिर इसमें आप देख रहे हैं ये किस ये तरीके से डाला जाता है, ये उसमें सुहागा लगा के ये इसको जो है अंदर से सफेद कर रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं मिनटों में, बातों ही बातों में। बाहर से आप इस बर्तन को देखिए, पहले क्या था, ये बर्तन इतना पीला था यानी कि पीतल था, और अंदर से आप देखेगा कैसे ये इन्होंने बिल्कुल सफ़ेद कर दिया। अच्छा, इसके बाद जब आप ये सुहागा वगैरह लगा के पूरा कंप्लीट करते हो तो फिर पानी में बुझाते हो जी नजर भाई, इसके बाद भी कोई दूसरा स्टेप होता है? नहीं, बस ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट, ये थोड़ी देर रखोगे जी और ये पूरा प्रॉपर सेट। अच्छा नजर भाई, कितना समय हो गया ये काम करते करते? मेरे को कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल इसी ठिये पे बैठते हुए जी, इसी ठिये पे। और इससे पहले आपके वालिद साहब भी करते थे जी। अच्छा नजर भाई, एक बर्तन को करने में कितना रुपए लेते हो आप? क्या प्राइस क्या होता है इनका? ये बर्तन के हिसाब से है। जैसे ये वाला बर्तन है जो आप कर रहे हो, इसका क्या है? इसका 80 रुपया। 80 रुपया जी, ओके। और वो जो बड़ी वाली कढ़ाई है जो वो अभी करी है आपने, ये वाली, वो 200 रुपये है, 250 रुपये है। 200-250 रुपये मतलब बर्तन के हिसाब से प्राइस बढ़ते चले जाते हैं। और देखिए दोस्तों, इस तरीके से अब ये पानी में इसको डाल के अब ये बुझा देंगे, ये मतलब जो है शांत कर देंगे एक तरीके से इसे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पीतल के बर्तन को ये इस पर कलाई करके इसको सफ़ेद कर देते हैं, और खाने के मतलब खाना पकाने के लिए, इसमें कुछ भी खाना लेने के लिए इसको, ये बर्तन को इसके योग्य बना देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।